दोस्तों स्वागत है हमारा नई वीडियो में। और आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन सा कंट्रोलर रिक्शा के लिए बेस्ट है। ये देखिए दोस्तों, पहला कंट्रोलर आपको मिल जाता है CY एक्स्ट्रा पावर का। ये CY एक्स्ट्रा पावर का कंट्रोलर है गाइस। ये देखिए, मैं इसमें दिखा देता हूँ। इसमें जो आपके मोटर और कंट्रोलर का वायर होता है, वो वायर नहीं होते, वो डायरेक्ट आपका इसमें लगता है नट बोल्ट्स में। ये मोटर का हो गया और ये आपका हो गया बैटरी का। ये देखिए, ये आपके प्लस माइनस ये बैटरी के हो गए। और यहाँ पे आपका येलो ब्लू और ग्रीन ये आपके हो गए मोटर के। और ये आपको प्लस माइनस, ये देखिए स्टिकर हटा हुआ था, ये प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। और बाकी जो ये लाइट आप देख रहे हैं इसकी, रेड येलो ग्रीन और ब्लू, ये अगर रेड होता है तो अगर आपका थ्रॉटल का फॉल्ट है तो आपके थ्रॉटल में जलेगी। अगर आपके कोई एक्सेलेटर ख़राब है या जिसे मुट्ठा कहते हैं आपका, वो ख़राब है तो ये लाइट ब्लिंक करने लगेगी। और अगर आपका कंट्रोलर में फॉल्ट है, पूरे ही कंट्रोलर में इसमें कोई मॉस्फेट वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी फिर येलो वाली लाइट जलेगी। और अगर आपका मोटर में कोई दिक्कत है, जो आपका मोटर है, मोटर में जो दिक्कत है, तब ये ग्रीन लाइट जलती है। और जब आपका कोई ओवरलोड हो जाते हैं, जैसे आप मान लो कुछ चीज़ कैरी कर रहे हो तो ओवरलोड हो गया, कंट्रोलर का एम्पियर उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, वो झेल नहीं पा रहा है, तो आपकी फिर ये वाली लाइट जल जाएगी, ब्लू वाली लाइट। और अब मैं आपको थोड़ा इसका वायरिंग का, वायरिंग तो बेसिकली सबकी सेम ही होती है हर कंट्रोलर की, बस एक दो चीज़ें थोड़ी एडवांस होती है। जो हम कंट्रोलर आ रहे हैं उनमें काफ़ी एडवांस चीज़ें, जैसे सेल्फ रनिंग आगे दिखाऊंगा मैं, जो कि इस वाले कंट्रोलर में देखने को मिल जाती है। और ये दोस्तों एक सिंपल जो इसका एम्पियर है वो 50 एम्पियर है इस वाले कंट्रोलर का, और इस वाले कंट्रोलर का एम्पियर है वह 48 एम्पियर। ये 48 वोल्ट है और ये भी 48 वोल्ट है। तो बेसिकली इसमें भी सेम है, इसमें आपके ये ग्रीन और ये आपका ब्लू और ये आपका येलो, ये मोटर के वायर हो गए, और ये आपका ब्लैक और रेड ये आपके बैटरी के वायर हो गए। और बाकी अगर आप इसमें देखोगे तो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे ये 48 वोल्ट का जो रेड वाला वायर है, ये वाला, ये 48 वोल्ट का है। ये आपका स्पीड का है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है इस वाले से। और फिर आप देखोगे तो इसमें आपका एक ये की लॉक का है ये वाला, इसमें सेंसर हो गया, ये सेंटर लॉकिंग का है, ये वाला सेंटर लॉकिंग का है। और ये मैंने आपको बताया था सेंसर का, सेंसर वाला जो बताया था वो ये वाला वायर है सेंसर वाला। ये एक्सेलेटर का है, इसमें 3 पिन वाला एक्सेलेटर का। बाकी ये भी 48 वोल्ट है, ये भी 48 वोल्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं मेन कंट्रोलर की, जो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आया है। इसमें आपको 48 वोल्ट और प्लस में 60 वोल्ट, 48 और 60 इन सेम कंट्रोलर आपको देखने को मिल जाएंगे, 48 वोल्ट भी और 60 वोल्ट भी। ये देखिए इसकी वायरिंग भी थोड़ी हैवी है, देखिए दोस्तों, ये देखिए इसकी वायरिंग भी हैवी है। ये देखिए दोस्तों, मोटर के ये हो गए, बैटरी के ये हो गए, ये अलग पूरा सेगमेंट है इसका। अब इधर देख लेते हैं, इसमें मेन जो चीज़ आती है दोस्तों, देखिए खास बात, ये 48 वोल्ट और 60 वोल्ट का आपको वायर देखने को मिल जाता है। ये देखिए, अगर आप इसको हटाएंगे तो 48 वोल्ट है, अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये आपका 60 वोल्ट हो जाएगा, अगर आपको डिसकनेक्ट करेंगे तो ये 48 वोल्ट में हो जाएगा। फिर ये देखिए, ये सेल्फ लर्निंग, इसकी दूसरी कमाल की बात, सेल्फ, अगर आपके मोटर के सेंसर नहीं मैच कर रहे, अगर आपका कोई कलर इधर से उधर हो गया, या कभी होता है कि कलर भी सेम होते हैं सेंसर तब भी मैच नहीं करते, आपको एक बार ये कपलर आपस में कनेक्ट करना है और फिर डिसकनेक्ट कर देना है, आपके सेंसर वहीं पर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, इसमें बल्ब है, अगर आपका कंट्रोलर अच्छी तरह वर्क कर रहा है तो आपका ये रेड कलर में आपका ब्लिंक करता रहेगा, नहीं तो ये नहीं करेगा। तो इसमें खास बात है, आपको कनेक्शन आते ही ये ब्लिंक करने लगता है, जिसका मतलब है एकदम एक्यूरेट कंट्रोलर है। और ये देखिए दोस्तों, ये स्पीड का है, वही सेम जो मैंने आपको उनमें बताया, ये सेंसर्स, ये 48 वोल्ट हो गया की लॉक में, एक इसमें 12। ये देखिए दोस्तों, ये फिर आ जाएगा आपका एक्सेलेटर का, ये की लॉक का, और ये वाला आपका रिवर्स का हो गया। दोस्तों अभी वो तो बेसिकली आपका मेन सब में होता है वायर, एक दो चीज़ थी जो एक्स्ट्रा थी मैंने आपको बताई।
दोस्तों जो बेनिफिट का कंट्रोलर आपको इस टाइम में आपकी रिक्शा को जो माइलेज भी देगा और आपका बेस्ट भी रहेगा वो आपको देखने को मिल जाता है ये वाला कंट्रोलर देखने को। बेस्ट ये भी हैं, वो उनकी नीड के हिसाब से होता है, पर फिर मैंने आपको इसमें सेल्फ लर्निंग बताया, 4860 बताया, अगर आप एक बैटरी एक्स्ट्रा या जो सिंगल बैटरी में या 60 वोल्ट की बैटरी रखना चाहते हैं तो दैट इज़ सुटेबल फॉर दिस कंट्रोलर ओनली। और बेस्ट तो ये तीनों ही हैं, पर फिर भी अगर एक कंपैरिजन करा जाए तो ये अच्छा है इन दोनों के मुताबिक। और अगर आपको कोई सा भी इनमें से परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट नंबर से आप बाय कर सकते हैं इनको, आपको एकदम बेस्ट रेट प्रोवाइड करा जाएगा। थैंक यू गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलना। ओके।